या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। आदिल भाई हैदराबाद से हैं। इनका सवाल ये कि फील्ड पर काम करते हैं, कंपनी से इनको जो तनख्वाह मिलती है वो तो मिलती है, लेकिन इसके अलावा कंपनी 5,000 रुपये पेट्रोल कॉस्ट के इनको देती है, यानी पेट्रोल खर्चा पर। अब इनका महीने में 5,000 से कम का भी पेट्रोल लग जाता है तो वो पैसे बचे हुए अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं ला सकते? इस वाले केस में कि जहाँ कंपनी एक फिक्स इंसेंटिव देती है बंदों को या कन्वेंस देती है बंदों को कि आपकी सैलरी जो है वो इतनी रहेगी और आपको प्लस 2,000 रुपये कन्वेंस के या 3,000 रुपये कन्वेंस के मिलेंगे, कन्वेंस के नाम पर चाहे पेट्रोल हो या गाड़ी की सर्विस हो या कुछ भी हो कि आपको इतने रुपए अलग से मिलेंगे और इसके ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो सारे पैसे उस बंदे के होते हैं। वो कंपनी एक मैक्सिमम अमाउंट सेट करके देती है कि 5,000 रुपये आपको कन्वेंस के नाम पर मिलेंगे और पेट्रोल का नाम उसमें लिख दें या कोई भी कैटेगरी उसको जो है ना रख लें तो वो 5,000 का मालिक भी वो बंदा होता है। अब अगर उसका मामला आईडी लगा के 4,500 तक निपट जाता तो भी वो पैसे उसी के रहेंगे जो कंपनी ने उसको कन्वेंस के नाम पे फिक्स अमाउंट जो है वो दे दिया, क्योंकि ज़्यादा होने पर शायद कंपनी ज़्यादा देगी नहीं। और एक तरीके से जो वर्क होता है तो कंपनी के अंदर बैठे हुए लोग पहले इसको पूरा यानी फिगर करके आइडिया करके लगा लेते हैं कि एक बंदे से कितना फील्ड में काम लेना है, वो कितना चल सकता है, उसका क्या क्या बनना चाहिए, इस हिसाब से क्या पेट्रोल की कॉस्ट पड़ेगी, उस कॉस्ट को सब जोड़ घटा करने के बाद वो एक अमाउंट सेट करते हैं कि इतने रुपये तक एक मंथ में हम एक एम्प्लॉई को फील्ड वाले को दे सकते हैं। तो वो अमाउंट जब सेट करके दे दिया जाता है तो फिर वो उसका होता है। चांस में बंदा पेट्रोल 4,500 का लगाए, 4 का लगाए, वो एक 5,000 रुपये कन्वेंस के नाम पर उसको दे दिए जाते हैं तो वो उसी के होते हैं। एक सूरत ये हो सकती है कंपनियों के अंदर कि आप जितना किलोमीटर चलेंगे उसको आप काउंट करके दें, फिर उसके हिसाब से आपको जो है ना कन्वेंस या पेट्रोल के लिए पैसा मिल जाएगा कि आप आज के दिन 100 किलोमीटर चलें तो आप बता दें तो आपको नोट हो जाएगा कि आज के दिन 100 किलोमीटर, कल 50 किलोमीटर और हफ्ते या महीने के एंड में सबको जोड़ के मिल जाएगा। तो इस सूरत में तो फिर जितने आप चले हैं वही आपको लिखवाना पड़ेगा, वही आपको मिलेगा, उसमें ना कम हो सकता ना ज़्यादा। तो उसमें तो आप 5,000 से ऊपर भी पहुँच जाएंगे तो आप उनको बता के ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। लेकिन इस केस में कि जहाँ कंपनी एक फिक्स अमाउंट रखती है कि यही आपको मिलेगा, आप चाहे ज़्यादा चलो या कम चलो, इससे ऊपर कन्वेंस हम नहीं दे सकते, ये फिक्स कन्वेंस सैलरी के अलावा प्लस 2,000 देंगे, तो वो फिर सारे पैसे उस बंदे के ही होते हैं और वो उसको खर्च कर सकता है। और अगर सिर्फ पेट्रोल की डिमांड की जाती है कि जितना पेट्रोल लगे आपको बताना पड़ेगा तो फिर आपको वही बताकर पेट्रोल या किलोमीटर बताकर उतना पैसा अपना ले लेना चाहिए, चाहे वो ऊपर लगे या कम लगे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा